ओम शांति। 20/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे मैं जो सुनाता हूँ उसे प्यार से सुनो, आत्म अभिमानी होकर के सुनना है। जब आत्म अभिमानी होकर के सुनते हैं तो सामने जो परमात्मा पिता बैठा है, टीचर बनकर के पढ़ा रहा है, उस पढ़ाई को बड़े प्यार से ध्यान से सुनते हैं और रुचि रहती है। अभी देखे बाबा क्या सुनाते हैं, अभी बाबा क्या सुनाते हैं, खुशी से। और जब हम खुशी से सुनते हैं तो हर्षित मुख सदा रहते हैं। दूसरा बाबा ने कहा, बाबा को खुदा दोस्त, खुदा हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त बनाने हैं। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। हम सभी हैं ही आत्माएं, देह देखते हैं तो दुश्मनी भी पैदा होती है, बदले की भावना भी आती है, और बदले की भावना के साथ साथ घृणा आती है, बहुत सी नेगेटिविटी आ जाती है। इसलिए बाबा रोज़ हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराते हैं, तुम आत्मा भाई भाई हैं। तीसरा बाबा ने कहा, बच्चे झंगमुई नहीं करनी है, व्यर्थ बातें छोड़ देनी है। रोज़ बाबा हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराते हैं, आपस में ज्ञान की बातें करो, प्यार की बातें करो, ये ज्ञान का ही आपस में लेन देन करो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो सुनते हैं समर्थ शक्तिशाली बाप के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। क्वेश्चन, बाप बच्चों की किस एक मत पर, एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? कौन सी हमारे अंदर ऐसी बात है जो बाबा को तरस आता है? आंसर, कई बच्चे आपस में झरमुई झंगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गंवाओ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। भगवानो वाच्य, समझते बच्चे भी समझते होंगे कि जरूर एक भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं, 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता, बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं। राज्योग सिखाने के लिए एक से तो काम चल ना सके, पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा, वंडर हैं जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें ये नंगन करते हैं, रक्षा करो, आधा कल्प तुम पुकारते आई हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है, पतित तो सारी दुनिया है, पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित हैं पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का ये शरीर पतित है, तुम भी समझते हो ये शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वह सारे विश्व पर राज्य करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भारत में ही है, तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को यह ख्याल आते रहेंगे,
और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है, बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलाने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, मेरे से जास्ती तुम सेवा करते हो ना। बाबा थोड़ी 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं, प्रदर्शनी आदि में बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी वह योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप बच्चों को इन द्वारा पढ़ाते हैं, ये सबसे नज़दीक है। इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कब देखा, मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता, मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां काम में आ जाती हैं, चमड़ा भी काम में आता है, मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता। हड्डियां पानी में डाल ख़त्म कर देते, निशानी भी नहीं रहती। उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सत्युग से लेकर त्रेता अंत तक मूल्य है। देवताएं तब तो पूज्य लायक हैं, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भरी ढोते रहेंगे, पैसे आदि की चिंता रहती है, वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं, तुम्हारा यह शरीर वैल्यूएबल है, ये टाइम भी वैल्यूएबल है, इसको वेस्ट नहीं गवाऊँ, फालतू बातों में समय नहीं गवाऊँ, अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है। और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवानों वाच्य हैं, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो बाप कहते हैं, आओ कंगाल बच्चे तुम्हें सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, भल बहुत धनवान हैं, पद्मपति हैं, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना, तुम बच्चों में भी नंबर वार धनवान हैं। तुम कहेंगे हम स्थाई सच्चे धनवान हैं, ये धन साथ में देता, ये धन ही साथ देता है। कौन सा धन? ज्ञान धन। और वो धन भी तब साथ देता है जब हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं। तुम्हारे आगे वो सब कंगाल हैं, नाम भल पद्मपति हैं। सतगुरु बाबा ने तुम्हारा नाम पद्मपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पद्मपति, वह है नरक के पद्मपति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे ये तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार की कुमारियाँ तो सच कहते थे। अच्छा अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे, पैसे आदि खत्म हो जाएंगे, एकदम जलकर ख़त्म हो जाएंगे। बम शादी गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब ख़त्म हो जाता है, शरीर ख़त्म हो जाता है। तुम यह देखेंगे बड़ा भयानक सीन आने वाला है, उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब यह भगवान बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम आए हैं यहाँ पर, हम किस लिए आए हैं बोलिए, भगवान से पढ़ने के लिए। तुम कितनी तकदीरवान हो यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं आकर के पढ़ें? रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुरकर भोजन ना खाकर भी एकदम पढ़ने लग पड़ें, वाह यह तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को पढ़ने लग जाएं, पढ़ाई भी क्या, मुख्य है ही बाबा की याद। बाबा को बहुत तरस आता है, बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप को याद नहीं करते।
झरमुई झंगमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत ओना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है। पहले अपने जीवन तो सुधार लें। बाबा बहुत बार कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं बार बार बाबा, आज अंडरलाइन करेंगे, आज के बाद नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं तो। बच्चे झरमुई झंगमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपनी जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है। ड्रामा की भाभी ऐसी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्त युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। बहुत लव से याद किया जाता है, बिगर लव कभी किसको याद नहीं करते। करते हैं क्या, पूछ रहे हैं बाबा। बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते हैं, लव से याद करना आता ही नहीं। सच्ची दिल पर साहिब राजी, देखो बाबा एक ही आवाज़ करते हैं, मन मना भाव। अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएं। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी तो सब दुश्मन हैं। तुम एक दो के भी दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे। पाप कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो सारी दुश्मनी खत्म हो जाए। ना नाक ना कान ना मुख आदि आदि, तो दुश्मनी किससे रखेंगे। शरीर को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, आपस में भाई भाई। ज्ञान योग की पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। आत्मा तो दुश्मन, दुश्मनी निकल, आत्मा समझा तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, यही तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख पाया है। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। कितनों को सिमरते हैं, हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ, क्योंकि भक्ति रात है ना। शिव बाबा की रात थोड़ी हो सकती है, रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उनके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते हैं वो आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरन करते हो, मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। तो बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ वर्षा देने पावन बनाने, अर्थ है ना। शिव बाबा हैं पतित पावन, ये किसी को भी पता नहीं है। कोई आकर बताए तो सही कि कैसे आकर के पावन बनाते हैं। अगर पता हो तो बाबा कहते बताए तो सही, तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते नहीं। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं, राजे स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज़ पहुंचना है। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त, जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ ना कहाँ धंधे धुरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती है, धारणा कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं तो झुटका खाते रहते हैं, बाबा को देखते ही नहीं। अरे ऐसे पाप को कितना
ना अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठे हैं तो बाप कहते हैं मैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आँख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली तो आत्माएं हैं। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं है क्योंकि देह अभिमान में है ना, आत्मा में ही सब संस्कार हैं। बाप कहते हैं आत्मा को देखो। कितनी मेहनत की बात है, मेहनत बिगैर विश्व के मालिक थोड़ी बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। देखो कितनी मेहनत की बात है। वंडर तो देखो, ये बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जो जितना पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पति से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद नौकर चाकर जाकर बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर ना, पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचरा खाकर मानी रोटी टुकड़ा मिल गया, क्या कहेंगे? तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं। ऐसी नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं। बाबा का बनकर अगर फिर बड़ी कड़ी भूले हों तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है, कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पद बन जाएगा। यहाँ तुम आई हो नरसी नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़ी आई हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि यह हम बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों को दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है। समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं ना। बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते हैं तो आत्मा नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल, फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे चिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग करके भी पढ़ाई जरूर करनी है। सेकंड पॉइंट, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हों ये अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उसमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है।
वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति व वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो ही नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी सच्चे सहज ही तीव्र पुरुषार्थी सच्चे बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, बेफिक्र बादशाह बनना है तो क्या करो। बेफिक्र बादशाह बनना है, आज बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये बेफिक्र बादशाह की है। तो बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु को समर्पित कर दो। तन मन धन सब कुछ अपना प्रभु को समर्पित कर देंगे तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। अमृत वेले की पॉइंट है, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो। दीवे में घृत डालेंगे तो जलता रहेगा ना। आत्मा रूपी दिए को रोज हमें जलाना है, जागती ज्योत बनना है तो याद का घृत, ज्ञान का घृत रोज डालते रहो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। घृत डालने के लिए कौन सा टाइम अच्छा है? दीपक में, आत्मा रूपी दीपक में घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। लेटे लेटे याद कर रहे हैं ऐसा नहीं, काम कर रहे हैं याद कर रहे हैं, नहीं, बैठ करके चलते चलते कैसे आप दीपक में घृत डालेंगे, बैठ करके ही डालेंगे ना। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा में बैठना है, याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी, फिर सच्चा सोना बनेगी। ओम शांति।